जसपुर क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने हॉस्पिटलों पर छापेमारी की है, जिसमें दो हॉस्पिटलों में अनियमितता मिलने के बाद उन्हें सील कर दिया है। वहीं प्रशासन की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी जसपुर, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में नई बस्ती चांद मस्जिद के पास SS हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद्र कासमपुर मोड़ पर भारत नर्सिंग होम में छापेमारी की। इस दौरान हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला है और अनियमितता मिलने के बाद दोनों अस्पतालों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि दोनों हॉस्पिटल के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। SS हॉस्पिटल के पास में अस्थायी रजिस्ट्रेशन था, वहीं दूसरे हॉस्पिटल भारत नर्सिंग होम के पास में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, इस कारण इसे भी सील कर दिया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यद्यपि SS हॉस्पिटल वाला के पास रजिस्ट्रेशन अस्थायी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब उसकी चेकिंग की गई तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। जो उसके अपने आप को ऑनर कह रहे थे, मालिक कह रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर जो पिछले एक महीने से नहीं आए हैं, और वहाँ पर जिन जिन भी डॉक्टर के नाम लिखे थे उनसे संबंधित वो कोई भी OPD का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। यहाँ तक कि जो अपने आप को डॉक्टर डॉक्टर नाम उन्होंने बताया था कुछ अपना, और आगे उन्होंने डॉक्टर इरशाद शाहनवाज डॉक्टर शाहनवाज थे, और उनके उनके आगे लिखा हुआ था MD। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप अपनी डिग्री दिखाइए, तो उन्होंने बताया कि ये तो मैंने MD लिख दिया, मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं।